आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है, और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते हैं। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियाँ सुप्तावस्था में है, और ये सारी शक्तियाँ मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियाँ हैं उनका कोई अंत ही नहीं, ना ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज, उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें ज़रूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ, एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए, ये आपने एक पेड़ देखा, इस पेड़ की ओर आप नज़र करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई जीव बनाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियाँ जागृत नहीं हो सकती, इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करें। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्त सदी का कभी अगर पाठ करें और उनका यह हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफ़र करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया, तो कहेंगे कि हमने सात ब्राह्मणों को बुलाया था क्या, पर वो ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं, और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी ना तुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई।
तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आराम देती है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट हैं, राक्षस हैं, और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके, कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है, ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें, तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है, और इस महामाया शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करते हैं, और इसका प्रेम निर्वाज। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आप बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे, या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अभी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश कर दीजिए। ये तो पहली चीज हो गई। सो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप में एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक के रूप। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए, और आप उस पर हंसी, अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे, और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह के आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्प धारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देखता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं
स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है, उसकी क्या वजह? एक बार यही जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट होती? जैसे कि एक मनुष्य में आ शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गए। स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता, पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां उसमें उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटता है। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं, आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में हैं। और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है, कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग गया कि वाह हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया वैसे ही ये शक्तियाँ आपकी खत्म हो जाए और गिर जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। अगर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया या उसको खूब रुपया मिलने लग गया या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ ये आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया, ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने, जैसा एक पेड़ है समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुच के जैसी जिसे कॉर्क कहते हैं बीच में आ जाता है, पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास कोई शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है, आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जुटी हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बैठ जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं जिस तरह से कंपटीशन ये वो इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र था लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति बीच में कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब यह शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता है, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया
हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैज मिला, मुझको बैज नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज़ का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया, ये कोई बात हुई? उस मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं, फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी का समझ लीजिए पति ने बिछोड़ कर दिया, या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी का किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अरे भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पर यह दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ी भी नहीं आती, इतनी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ ही नहीं आती कि उसको क्या। आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती, मैं चुपचाप सुनती रहती। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सहयोगी सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया, और हिमालय से जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात उसकी बात दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही दिया तो सहज में तो मौन हो जाता। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी, अब देखने की क्या जरूरत है। अब अपने को दूसरा महाभारत करने का, अब वो महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई, वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज़ से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही हर एक चीज़ में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज़ अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है तो अब म्यूजिक तो म्यूजिक ही म्यूजिक, फिर ध्यान भी नहीं करने का मैं म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है, इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो कहले वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। ये खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती हैं। इसमें दोनों की शक्तियाँ उलझ जाती, दोनों रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम से खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती, उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती है। इसलिए मैंने ये एक तरीका निकाला है कि सहयोगियों को सबको खुद खाना बनाना चाहिए, और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई अर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको
बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज़ है, किसी चीज़ को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो गए, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ उसकी आपको प्रचिति आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएं आपको भूख नहीं लगेगी, आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहाँ पर हिंदुस्तानी सहयोगी ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतज़ाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही ख़राब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए, तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज़्यादा तुमको कहाँ मज़ा आया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज़्यादा मज़ा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात कहने, वहाँ कृष्णा बह की है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही, वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोच रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफ़ी उलझे हुए लोग, हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं, यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों के वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है, ये ढोंगी बना के हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है, मैंने कहा कैसे, वो कहते हैं भगवान है, ये फॉरेन वो भगवान कहते हैं, मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान हूँ, मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं, जो आदमी फूल को नहीं सोच सकता वो भगवान कैसे हो सकता है, हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे, पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते, या किसी के लिए कहते हैं पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो क्या हर्ज, हमें तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है, अध्यात्म को पाने की बात है, अध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये उनकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई, इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई हैं और जिसे हम सारे तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए और उसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझें कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा ऊपरी नहीं अंदर से लगना चाहिए, क्या हमने उसे प्राप्त किया, क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया, क्या हमने उसे पाया है, उसे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ कर, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती, ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो सकती, क्यों नहीं हम इसे पा सकते, कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की ढोंगी वृत्ति का सहयोग में स्थान नहीं,
हृदय से आपको महसूस होना चाहिए, हर एक चीज को हृदय से पाना चाहिए, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना चाहिए। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत है मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है। जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है और उसी को हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बार समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए। जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल, और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना चाहिए, हमारा आत्मिक कल्याण होना चाहिए और कोई भी बात वो नहीं सोचते। सहयोग लाभ अनेक है, आप जानते हैं कि तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा, और दुनिया भर की चीज़ें जितनी भी आप जिसको आप संसारी कहते हो जाएंगी, और दूसरे भी आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, जिनको कोई भी जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं, हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पाते। जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है तब मनुष्य सोचता ही नहीं इन सब की, उसके लिए सब कप पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए उसके लिए वो कप पदार्थ है, कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो, इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहेगी और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहेंगे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना चाहिए, उसके मजे में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो ये श्रद्धा की आह्लाददायिनी शक्ति है उस आह्लाद को लेकर रहना चाहिए, उस एक्सटसी में रहना चाहिए, उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह सब माया है, ये सब चक्कर है। अगर किसी से पूछे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 रुपया मिलना चाहिए तो मुझे 50 रुपये मिले, जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए तो मुझे 100 ही रुपये मिलते, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी है, फिर तुम दूसरी बीवी कर लो वो भी ऐसी, तीसरी आई वो भी ऐसी, तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रहे क्योंकि आप स्वयं इनको नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस लें और उसी रस में रममान रहे। आखिर सारी चीज़ है ही हमारे आनंद के लिए, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते तो क्या फ़ायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जा कर के बैठ गई फूल पर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला, उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिलेगा। अगर आप मक्खी बने रहे तो आप तो इधर उधर ही भिनकते रहेंगे, लेकिन जब आप स्वयं मधुकर बनाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना ले करके मज़े में पेट भर के और आराम से आनंद से रहें।
यही सबसे बड़ी चीज सहयोग सीखने की, कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी शर्मा आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते हैं शेंडी बांधू, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके से रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हुए जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त करें। जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं और आप ही में नानक बैठे हैं और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए तुकाराम नामदेव एकनाथ सब आप ही लोगों में बैठे। और उनको इतना बेचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला भी नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था, ये सब आपको प्राप्त है। आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियाँ कम हो ही जाएंगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियाँ और हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो। आप जो चाहें सो सकते, जो जे वांछिल ते रोला, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा अरे बाप रे आज माँ का इतना अटम समय बंधा हुआ है, माँ स्वयं आ रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े आएंगे। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ तो कहे एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहाँ पहुँच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी, और साक्षात हम बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सके, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे, सुविधा के साथ रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है, ये घोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो खतर भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुँचेंगे ये मेरी समझ में नहीं आती, कि सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा भाग जाएंगे क्योंकि तो हमको कल दफ्तर में जाना है। तुम जाओगे कल भी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे जल्दबाजी करोगे तो खंडाला के घाट में आपको रुक लेंगे हम। लेकिन ये सब चूल, ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक ये चीज घुसेगी नहीं क्या फायदा। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर ले। अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में जो शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियाँ कहाँ से कहाँ नष्ट हो जाए। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं। इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई, अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है, असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की जागृति होनी चाहिए, जिससे आप बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धामय हो जाए। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे
पीटे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी लगन नहीं छूटती थी। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार 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 लगाना पड़ता है, फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात से लगाना पड़ता है। सो अब सोचना ये है आपको कि हमारे अंदर की सारी ही शक्तियाँ हमें जागरूक करनी है, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है, एक ही बात है कि आपकी लगन होनी चाहिए। जिसको लगन हो जाएगी, जो पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा और जिसका हमेशा जी सहयोग पे ही खींचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका सब तो क्षेम हो ही जाएगा, पर पहले योग घटित होना चाहिए और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं, न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बी में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है, तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य हैं और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पे फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इससे आपस के झगड़े, छोटी छोटी शुद्र बातें, ऐसी चीज़ें जो कि रास्ते पर के लोग भी न करें, असभ्यता, ये तो अपने आप से ही ढह जाए, वो तो बचने ही नहीं वाले। लेकिन आपका जो स्वयं सुंदर स्वरूप है वो निखर आया और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है, एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है, एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है, वो किसी से डरता नहीं, निर्भय है, जहाँ कहना है कहता है, जहाँ नहीं कहना नहीं कहता है। ये आ जाए, बाबा भी आ जाए, फिर बाबा के नाना भी आ जाए, सो हो नहीं सकते। जो आप है उस लायक वो लोग नहीं, वो नालायक, जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों झगड़ा करना, नालायक लोगों से झगड़ा करने को जरूरत, नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी करिए ऐसा सोचना चाहिए, और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप हैं, जो नालायक हैं उनको काहे को जबरदस्ती सहयोग मिलाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब माँ इसको ठीक करो क्योंकि वो मेरी बीवी है, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा दादा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बनता। अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर रखिए, जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए, उनके मजे में रहिए, आपको जरूरत क्या है। पर यही बात हम लोग नहीं समझ पाते कि ये दुनिया ही रिश्ते ऐसे चलते रहते हैं, कोई कुछ रखा नहीं। हाँ, अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ बन सके तो ठीक, और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई ज़रूरत नहीं सहयोग में लाने। और मैं देखती हूँ कि बहुत ही नालायक लोग सहयोग में कभी कभी इससे आ जाते हैं और मेरे बड़ा सरदर्द हो जाता है। आपकी लियाकत थी इसलिए आप आए और आप सहयोग को प्राप्त हुए, आपको आशीर्वाद मिला, आपने बहुत कुछ पा लिया और आगे आप पा सकते हैं। और जो भिखारी हैं उनको देने में क्या अर्थ है, और भिखारी भी है और उसके झोली में छेद भी है, उनको और देने से और क्या फायदा, तो करेला नीम चढ़ा। ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, मतलब रखने की ज़रूरत नहीं, उनको बकने दीजिए। अगर उनका दिमाग ठीक हुआ तो वो आएंगे और सहयोग में उतरेंगे, और नहीं हुए तो आप अपना दिमाग क्यों खराब करते, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के पत्थर के जैसे सर होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, वो देख नहीं सकते। तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं स्वयं, और इसे हमने प्राप्त किया है अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, तो तुमने बहुत पुण्य किए थे और इसलिए हम आज स्थान पे बैठे हुए हैं, और इससे भी ऊंचे स्थान पे हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए। आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त होकर के तैरिए, उसका आनंद उठाए।
और अपनी सारी शक्तियों से आप प्लावित हुई। आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपके अंदर की सुप्त सारी ही शक्तियाँ जागृत हो और धीरे धीरे आप इसको महसूस करें और उसके जो अंदर से प्रवाह की विशेष धाराएं बहें उसके अंदर आप आनंद लूटें। यही मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद।